इस वीडियो में हम जानेंगे घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से एफआईआर कैसे दर्ज करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शकील और आप देख रहे हैं क्रिएटिव थिंग्स ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और वहां टाइप करेंगे दिल्ली पुलिस और उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देंगे। और हाँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की साइट खुल गई। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। हम इसमें सिटीजन सर्विस पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। फिर उसके बाद यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, लेकिन इसमें बैक टू सेफ्टी ना करके हमें एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे ऊपर में ब्लू कलर का लिंक आ जाएगा, जिस पे क्लिक करते के साथ ही हमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट जिसमें हमें लॉस्ट और फाउंड का एफआईआर दर्ज कराना वो खुल जाएगा। और उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट एंड फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। लॉस्ट पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं, रिट्रीव, रजिस्टर एंड एफएक्यू। एंड फाउंड में भी ऐसे ही दो ऑप्शन है, तो हमें लॉस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर। अब ये एफआईआर का रजिस्टर पेज खुल गया है। अब यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे, जैसे कंप्लेंट का नेम, फिर उसके बाद कंप्लेंट के फादर नेम, कंप्लेन करने वाले का प्रॉपर एड्रेस, देन उसके बाद कंप्लेन करने वाले का मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। फिर जहां यह आपका डिवाइस गुम या चोरी हुआ है उस जगह का नाम डालेंगे। जैसे हमने डाल दिया बादली क्रॉसिंग बस स्टॉप से हमारा मोबाइल चोरी हुआ था, तो हमने बादली क्रॉसिंग बस स्टॉप रोड डाल दिया। देन उसके बाद डेट डाल देंगे कि कब चोरी हुआ। डेट डालते के साथ ही अगर आपको टाइम याद है तो टाइम भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद लॉस्ट आर्टिकल्स। लॉस्ट आर्टिकल्स में आपका जो चीज गुम या चोरी हुआ है उसको क्लिक करेंगे। जैसे हमारा हुआ है मोबाइल फोन, तो हम मोबाइल फोन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल फोन का यहां IMEI नंबर डाल देंगे। देन जो मोबाइल खोया है उस मोबाइल में जो सिम एक्टिव थी उस सिम का नंबर डाल देंगे। एंड देन लॉस्ट डेट। और उस मोबाइल का हमें ब्रांड नाम डालना है, पूरा नाम डाल देंगे, Xiaomi Redmi Go था और ब्लू कलर का था, हमने डाल दिया। देन उसके बाद वह 4G था या 3G ये डालेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते के साथ ही ये टेबल में हमारी सारी डिटेल्स ऐड हो गई। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं और अगर हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनी अदर डिटेल में हमें डालना है कि मोबाइल में कवर लगा था या नहीं, या कुछ डैमेज था, या फिजिकल कुछ ओवरव्यू जो आप हम बता सकते हैं तो वो डालेंगे। हम डाल देंगे ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कवर केस था। देन उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट। सबमिट करते के साथ ही यहाँ ऑप्शन आ गया, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका FIR सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पे LR नंबर दिया हुआ है और यहाँ से आप अपनी LR की फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब उस FIR को ट्रैक कैसे करें कि उस पर क्या काम हुआ या क्या नहीं, तो उसके लिए हमें फिर से होम पे जाना पड़ेगा। होम पे जाकर सिटीजन सर्विस, देन उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड, देन उसके बाद लॉस्ट आर्टिकल ओपन करेंगे और ओपन करके यहां पे रिट्रीव, रिट्रीव पे क्लिक करते के साथ यहां अपना LR नंबर डालना है और ईमेल आईडी, और डालते के साथ ही सर्च करेंगे तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा कि उस पर क्या वर्क हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।